हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। अभी रिसेंटली स्प्लेंडर प्लस का एसटेक मॉडल लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको फर्स्ट इन द सेगमेंट काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिलते हैं। और तभी से आप में से बहुत सारे भाई लोग मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे हो कि भाई हमको प्लेटिना 100 का जो न्यू मॉडल है वो कब तक इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा, और अगर देखने को मिलेगा तो क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्या कुछ प्राइस देखने को मिलेगी और कब तक देखने को मिल सकता है। तो देखो भाई, ऐसा है कि प्लेटिना 100 का न्यू मॉडल आपको काफ़ी जल्द मे बी सितंबर या फिर अक्टूबर तक इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। और अगर आप लोगों को प्लेटिना 100 के न्यू मॉडल के बारे में A to Z डिटेल से जानना हो, अच्छे से जानना हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्लेटिना 100 के न्यू मॉडल का सीधा कंपटीशन यहां पर स्प्लेंडर प्लस के एसटेक मॉडल से रहेगा, और उसी हिसाब से आपको इसमें फीचर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको इसमें फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसमें आपको RPM मीटर, गियर इंडिकेटर, रियल टाइम माइलेज, साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर, और हो सकता है कि इसमें आपको स्मार्ट टैक्स टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा इसके टैंक पर आपको बिल्कुल ही न्यू डिज़ाइन के टैंक कॉल देखने को मिल जाएंगे, जिसके कारण इसका लुक पहले से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव, पहले से काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव होने वाला है। बाकी हेडलैम्प का डिज़ाइन आपको पहले से सिमिलर देखने को मिलेगा, टेल लाइट की डिज़ाइन आपको पहले से सिमिलर देखने को मिलेगी, और इंडिकेटर्स आपको हेलोजन में ही देखने को मिलेंगे। और बात कर लें अगर टायर साइज के बारे में, तो इसमें आपको फ्रंट में 80 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और रियर में भी आपको 80 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा। तो इसके न्यू मॉडल में आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलने वाले हैं, और इसमें आपको फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक, रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक प्लस ABS या फिर CBS। वैसे काफ़ी कम चांस है कि इसमें आपको ABS देखने को मिले, इसमें आपको CBS ही देखने को मिल जाएगा। बाकी इंजन आपको पहले से सिमिलर देखने को मिलेगा, बस इंजन को थोड़ी सा रिफाइंड किया जाएगा, जिससे इसका रिफाइनमेंट लेवल भी इंक्रीज होने वाला है। बाकी गेयरबॉक्स आपको पहले से सिमिलर देखने को मिलेगा, सस्पेंशन आपको पहले से सिमिलर देखने को मिलेंगे। और बात कर लें अगर इसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी प्राइस यहां पर लगभग मैं मान के चलिएगी 2 से लेकर 3 हज़ार रुपये तक इंक्रीज़ होने वाली है, और बदले में आपको इसमें काफ़ी सारे कॉस्मेटिक अपडेट देखने को मिलेंगे। बाकी लॉन्च डेट के बारे में तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसका न्यू मॉडल आपको सितंबर या फिर अक्टूबर तक इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो इस बाइक के बारे में यही न्यूज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राइड सेफ, जय हिंद।